सेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिगाम खत्री वैदिक उपचार से। आज मैं आपको एक वेरिकोस वेंस के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये नसों की बीमारी है जिसमें हमारी जो वेंस हैं उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसमें हमारे पैरों में जो है भारीपन, सूजन और पैरों में दर्द जो है महसूस होता है। और ये बीमारी जो है ज़्यादातर जो है उन लोगों को होती है जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जिनके पैरों की मूवमेंट्स जो है वो पूरी तरीके से, या जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो ये नसों की प्रॉब्लम है, नसों में जो है गुच्छा महसूस होता है, नसों में ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसकी लक्षणों में हम देखें तो ये बीमारी में पैरों में, जैसे मैंने बताया था अभी, पैरों में भारीपन आता है, पैरों में सूजन आ जाती है, ठीक से आदमी चल फिर नहीं पाता है। और इसमें जो है वहाँ का जो त्वचा का जो रंग है वो काला नीला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ जलन शुरू हो जाती है, खुजली भी शुरू हो जाती है। और इसके कारणों में देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें जो लोग ज़्यादातर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, जिनकी मूवमेंट्स जो है वो कम रहती है, तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, या जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चलती आ रही हो तो वो लोगों को ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने में आती है। ठीक है ना, जो लोग मोटापा से पीड़ित हैं, जो लोग जिनको मोटापा ज़्यादा है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसमें जो है हमारी आयुर्वेदिक में मेडिसिन दी जाती है जो जड़ी बूटियों से हम ठीक करते हैं। इसमें जो है जड़ी बूटियां जो दी जाती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, जिससे जो है खून का प्रवाह ठीक होता है, खून का संचार ठीक से होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती हैं। और हमारा जो वैदिक उपचार में है इसमें हमारी दवाई आती है, जैसे हमारी वैदिक प्लस नसखोल टैबलेट कैप्सूल आती है, बहुत अच्छा मदद करती है इसमें। फिर हमारी जो है वैदिक प्लस नाड़ी योग कैप्सूल आती हैं, ये भी बहुत अच्छा मदद करती है इसमें। और हमारी टैबलेट आती है ऑर्थो गोल्ड, जो भी बहुत अच्छा इसमें असर करती है। फिर हमारा तेल आता है पेनजेसिक ऑयल, जो कि इस बीमारी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, इसमें बहुत अच्छी मदद मिलती है, जो नसों को मजबूत करती है। ठीक है ना, वहाँ पे जो दर्द और सूजन होता है उसमें बहुत अच्छा मदद मिलती है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जैसे ध्यान में देने योग्य, जैसे खाने पीने में तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वगैरह कम कर दें। ठीक है ना, और अपना एक्सरसाइज शुरू कर दें, जैसे हमारे में विपरीत करणी मुद्रा आती है जिसमें पैरों को ऊपर करके वहाँ पैरों की मूवमेंट करें, आगे पीछे दाएं बाएं चलाएं, सर्वांग आसन, पवन मुक्तासन, ऐसी एक्सरसाइज करें साथ में। और वजन को ना बढ़ने दें, क्योंकि इसमें जो है वजन अगर बढ़ेगा तो ये दिक्कत बढ़ जाती है। तो कोशिश करें वजन को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और खाने पीने पे ध्यान रखें, जैसे तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, ऐसी चीज़ें ना खाएं। खाने में मीठा और नमक कम खाएं, जिससे कि ये परेशानी जो है जल्दी से ठीक हो जाती है, धीरे धीरे जो है इसमें पूरा अच्छा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो है मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो है इस बीमारी में वात और पित्त दोष जो है बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना, जिससे जो है वहाँ की नसें जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक से नहीं हो पाता है और वहाँ नसें फूल जाती हैं। तो वेरिकोस वेंस की जो परेशानी है वो नसों की परेशानी है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पे जो है थोड़ा ध्यान दें। हाँ, तो अभी मैं जो है आपको पेशेंट से मिलवाऊंगा, जो अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे और उनको कितना फ़ायदा मिला ये सब बताएंगे। क्या नाम है आपका? रूपा पांडे। कहाँ रहती हूँ रूपा जी? मैं नागपुर में रहती हूँ। अच्छा, वैदिक उपचार किसने किया आपके? सर मेरी ननंद की थी। उनके क्या तकलीफ थी? उनको देवर चल नहीं सकते थे सर,
और उनको बहुत काफी तकलीफ थी उनको, लेकिन कितने साल से चल नहीं पा रहे थे? सर वो करीबन 20-25 साल से चल ही नहीं सकते थे। अच्छा, फिर वैदिक उपचार कितने दिन का हुआ? वैदिक उपचार एक साल किए सर, तो 6 महीने के बाद से उनको आराम होने लगा और एक साल से तो और बिल्कुल ज्वाइन हो गए, ऑफिस ज्वाइन हो गए सर, और अच्छे से चलने लगे हैं। अच्छा, काफी आराम है। 2 साल पहले उपचार कर रहे थे? जी सर जी। अच्छा, 20 साल से चल नहीं पाते थे? बिल्कुल नहीं सर, चल ही नहीं सकते थे वो। अच्छा, काफी आराम। बेटी को लेके आए हो जी सर? हाँ। अच्छा, इसका क्रिएटिनिन बढ़ गया ना, किडनी में खराबी आ गई, ये बिल्कुल ठीक होने लगेगी, भगवान बहुत अच्छा जी सर। और क्या उपाय किया उन्होंने? एक सेकंड, जो हम कहते हैं जी आर्थिक मानसिक और शारीरिक परेशानी को दूर करने में सहायक है, तो उनको आर्थिक लाभ कितना मिला आपने देखा होगा? सर काफी अधिक मिला, उन्होंने जिस चीज से जूझ रहे थे, जिस तकलीफ से, वो समस्या उनकी पूरी तरह खत्म हो गई, ऐसे ही कहेंगे तो सही है। और उनके ये सारी चीजों को मैंने खुद देखी हूँ, उसी विश्वास से मैं आज पहली बार आपके पास आई हूँ। अच्छा, और मुझे बिल्कुल आशा है कि ऐसे कि जैसे मेरी बेटी भी अच्छी हो जाएगी और जो भी समस्या मैं लेकर आई हूँ वो सब ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपको खुद विश्वास है? जी हाँ। अरे अच्छा, तुम ठीक हो जाओगे बेटे, ठीक है, शाबाश। मैं देखा दोस्तों कि ये जो पेशेंट से हमने बात की, उन्होंने आप पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में और इसके उपचार के बारे में बताया, तो ये देखा जाता है कि वैदिक उपचार की दवाइयों से जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है और परेशानियों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है वैदिक उपचार की दवाइयों को अपनाएं और इससे जो है पूरा लाभ प्राप्त करें। और कुछ चीज़ें हैं जैसे वेरिकोज वेंस के बारे में मैं अभी बता ही रहा था कि नसों की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है अपना वज़न वगैरह ना बढ़ने दें, खाने पीने पे अपना ध्यान रखें, ठीक है नहीं, पैरों की मूवमेंट्स जो है करते रहें, लगातार एक जगह बैठे ना, लगातार खड़े ना रहें, थोड़ा अपना जो है मूवमेंट करें, अगर लगातार खड़े रहते हैं थोड़ा बीच में रेस्ट करें, ठीक है ना, ये चीज़ें करें। साथ में अपना खाने पीने पे ध्यान रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और वज़न को इसमें ना बढ़ने दें, ठीक है ना। और एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, पैरों को ऊपर करके उसकी मूवमेंट करें, आगे पीछे दाएं बाएं करें, सर्वांग आसन होता है जो, उसको भी करें, पवन मुक्त आसन करें और कब्ज़ को ना बनने दें, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है लंबे समय से, तो उनको ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा परेशान करती है, तो इसमें कब्ज़ को ना बनने दें, पेट को अपने साफ रखें। और उसमें आयुर्वेद में देखा भी जाता है कि कुछ बीमारियां जो हैं वो पेट की खराबी की वजह से भी शुरुआत होती है, जिनको कब्ज़ रहता है तो उनको जो है ये नसों की प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है, तो इसमें कब्ज़ को ना बनने दें, अपने पेट को साफ रखें और अपना नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खाने पीने पर अपना ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें करें और वैदिक उपचार में जैसे मैंने बताया हमारी जो मेडिसिन हैं उनका आप प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और धीरे धीरे जो है आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी। हाँ, तो मैंने जैसे बताया इसमें आयुर्वेद में इसको वात और पित्त दोष में माना गया है, इसमें वात और पित्त दोष की गड़बड़ी की वजह से ये परेशानी होती है, जिसमें वहाँ की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, खून में खराबी आ जाती है, वहाँ का खून जो है पूरी तरीके से सर्कुलेशन में नहीं आता है, नीचे पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे पैरों में भारीपन, दर्द, सूजन, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, वहाँ नसें फूल जाती है, उनका त्वचा का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है, नीला काला पड़ जाता है, ठीक है ना। लोग जो है बड़ी परेशानी महसूस करते हैं, दर्द रहता है पूरे दिन और अपना नियमित जो है रोज़ाना का काम जो है वो पूरी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके लिए जैसे मैंने बताया अपना जो खाने पीने पे ध्यान रखें, ठीक है, अपना ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वगैरह कम कर दें खाने में, मीठा कम खाएं, नमक कम कर दें और अपना नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। अब उसमें एक्सरसाइज में जैसे मैंने बताया था अपनी विपरीत करणी मुद्रा है, सर्वांग आसन है, पवन मुक्त आसन है, ऐसी चीज़ें जो है ये करें। अब मैं एक पेशेंट के बारे में और आपको दिखाऊँगा, वो अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे और उनको कैसे फायदा मिला हमारी दवाई से वो भी बताएंगे।
क्या नाम आपका? आशा मिश्रा। कहाँ रहती हो आशा जी? जी अनंतनगर नागपुर। नागपुर। क्या तकलीफ रहती थी आपको? मुझे कमर में दर्द था है? मैं वैदिक उपचार से मेरा सब अभी ठीक हो गया। अच्छा, कितने दिन में से दर्द था कमर में? ये मुझे एक साल से था। एक साल से था। वैदिक उपचार कब से कर रही हो? अभी ये 4 महीना हो गया। तब कितना आराम है आपको? बहुत आराम है। अच्छा, पहले उठ बैठ नहीं पाती थी? हाँ, मेरे जोड़ों में पूरे में दर्द था। अच्छा, उठना बैठना हाँ, सब बंद था मुझे। अब ठीक हो बिल्कुल? अब ठीक। आज किसको बहू को लेके आई हो आप? जी। क्या तकलीफ रहती है इनको? सिस्टर ना? इनको तो सिस्टर ना? हाँ, ठीक हो जाएगी बच्ची। बहुत अच्छा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा मिश्रा। अच्छा, आपकी सास कैसी है? अब पहले से काफी बेहतर है। वैसे कैसी है? वैसे तो बहुत अच्छी है। अच्छा, चलो। अच्छा, वैसे भी आराम पड़ा ना इनको? हाँ, काफी आराम है। कितना लगता है आपको आराम? जैसे बहुत ज्यादा है। पहले उठने बैठने में असुविधा थी उनको, अब अपना खुद का खुद सब कर लेती है। अच्छा, तुम नहीं करती काम? करती हूँ। चलो बहुत अच्छा। तो आप वैदिक उपचार के बारे में क्या कहोगी आम लोगों को? वैदिक उपचार ये सही वो है कि भाई सबने लेना चाहिए यही उपचार, ये करना चाहिए। एलोपैथिक तो कोई ये नहीं है। चलो बहुत अच्छा। तो जैसे डॉक्टर आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के? जैसे आपके पास इतने पेशेंट आते हैं जो सिस्ट की जो बीमारी है, वो कितना मतलब लाभ मिल जाता है यहाँ पे? सिस्ट की बीमारी और स्त्रियों की सभी गर्भाशय जनित जितनी भी बीमारियां हैं, वो बीमारियों में हमारे वैदिक उपचार से बहुत ज़्यादा आराम मिला है और सभी स्त्रियां इससे काफ़ी कुछ संतुष्ट है। हाँ, तो आपने देखा दोस्तों कि हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनको अच्छे से देखा जाता है, उनकी बीमारियों को समझा जाता है और हमारी दवाइयों से उनको कितना लाभ प्राप्त होता है। तो आप भी आएँ वैदिक उपचार में और अपनी परेशानियों के बारे में बताएं, जिससे जो है उनको अच्छे से समझा जाए और उनका निवारण किया जाए। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कमर दर्द के बारे में मैं कुछ बताऊँगा। जैसे सैटिका का दर्द होता है जिससे जो है कमर से दर्द शुरू होता है और वो पैरों में जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है दर्द जो है बहुत असहनीय होता है, कई बार एक पैर में होता है, कई बार दोनों पैरों में होता है। पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, पैरों में चींटियां जैसा चलना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ परेशानी है जो जैसे कुछ लोग गिर जाते हैं, ऊपर से चोट लग जाती है या फिर झटका लग जाता है कमर में, जिसकी वजह से जो है दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कुछ मैंने परेशानी बताई जिसमें जो है हमारा वैदिक उपचार से अगर आप इलाज करवाते हो, ठीक है ना, तो उसमें जो है बहुत अच्छे इसमें इलाज होता है, बहुत अच्छा आराम मिलता है, परेशानी जो है दूर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको देखें। धन्यवाद।